सेवन्थ क्लास, कल हमने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, आज हम 6.3 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर मैक्सिमम रूल्स वही यूज़ होंगे जो आपने लास्ट टू एक्सरसाइजेस में किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये सभी रूल्स यूज़ होंगे। इन रूल के साथ एक नया रूल ऐड हो रहा है जो कि आपके लिए नया नहीं है, पहले भी आप इस रूल को बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। उस रूल का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स का सम, किसके एंगल? ट्रायंगल के। तो रूल आपको ये ऑलरेडी आता है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, 1, 2, 3 इसके एंगल हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। इस रूल को हम आज यूज़ करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अननोन एक्स, आप देख रहे हो इस फिगर में एक्स कई प्लेसेस पे लिखा हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में, हमें उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, ये फिगर आपको बुक में मिल जाएगी। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये बॉक्स कितना है? यस, 90 डिग्री। आपको मालूम है कि ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, और अगर आपको दो एंगल पता चल जाए तो थर्ड एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। आपको करना कैसे है, फेयर नोटबुक में पहले लिखेंगे ट्रायंगल का नाम इन पी क्यू आर, इसके अंदर ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसका नेम है पी क्यू आर, या आप आर क्यू पी भी बोल सकते हो। उसके बाद है क्यू पी आर, क्यू पी आर इसको आर पी क्यू भी बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री है। और लास्ट है पी आर क्यू या क्यू आर पी बोल सकते हो, इसका है एक्स। हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के इंटीरियर जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, इसलिए हमने दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 लिखा। पी क्यू आर की वैल्यू आपने 30 गिवन है लिखी, क्यू पी आर के प्लेस पर 90 लिखा, और इसके प्लेस पर आ गया आपका एक्स। अब 30 प्लस 90 हो गया आपका 120 प्लस एक्स। 120 के साइड चेंज करके अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो आपकी ये 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है। इसी तरह इसके सभी पार्ट्स हो जाएंगे। एक फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं दे रखी, यहाँ पे एक्स ही दे रखे हैं तीनों प्लेसेस पे, तीनों एंगल्स की वैल्यू एक्स 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 है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने ये तीनों का टोटल 180 लिखा था तो ब्रैकेट में ये लिखना ना भूलें। आपको रीज़न मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये रीज़न लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिफ्थ पार्ट है, इसमें तीनों ही एक्स हैं। अब इस फिगर के अंदर कोई नेम नहीं दिया हुआ तो हमने लिखा इन गिवन ट्रायंगल, वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल सम 180, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स थे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। ब्रैकेट मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है। यहाँ पे एक्स 1x प्लस 2x प्लस 1 3x, टोटल हो गया 3x, 3x इक्वल टू 180। अब क्योंकि 3 इंटू एक्स है ये, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो साइड्स अगर हम चेंज करें तो वो डिवाइड में चली जाती है, अगर प्लस में हो तो माइनस में, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव में, और डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में। तो आपको ध्यान रखना है, प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में। इसी तरह अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर हम इस तरफ लेके जाना चाहते तो डिवाइड में आ गई, 3 से 180 कैंसिल हो गया 60, तो एक्स इज इक्वल टू आपका 60 आ गया। तो इसी तरह से आपके ये सभी पार्ट्स हो जाएंगे। एक लास्ट पार्ट भी आप देख सकते हो, दिस वन, इसके अंदर एक्स 2x और थर्ड एंगल इज
यस 98। तो इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। इन गिवन ट्रायंगल एक्स प्लस टू एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180, एक्स प्लस टू एक्स बन गया आपका 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 को साइड चेंज करेंगे, प्लस है उधर जाके नेगेटिव हो गया, 180 माइनस 90 90। अब ये 3 फिर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3 से कैंसिल 30। तो इसके बचे हुए पार्ट्स आप ट्राई करना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसमें सेम रूल यूज होंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेकंड पार्ट में कुछ सेकंड पार्ट से पहले चलो फर्स्ट पार्ट भी एक बार आप देख लो, दिस वन। इसके अंदर है ना इंटीरियर एंगल है एक्स, यहाँ पे वाई है, यहाँ 50 है। ये जो एंगल है ये बाहर की तरफ बन रहा है, कल भी बात की थी, अगर ये बाहर बन रहा है तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल हो गया। और आपको मालूम है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके टोटल के इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट के। अभी इंटीरियर तो तीनों ही है लेकिन इसके अपोजिट ये नहीं हो सकता, इसको छोड़ के बचे हुए दो यानी ये, इन दोनों के टोटल के इक्वल 120 आना चाहिए। तो हमने सेम लिखा एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120, और ब्रैकेट में रीजन तो लिखना जरूरी है। द एक्सटीरियर एंगल जो हमने कल लिखा था, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये पूरा लिखेंगे। प्लस 50 है उधर जाके माइनस 120 माइनस 50 70, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ एक्स के प्लेस साथ साथ वाई भी निकालना है। तो अब ये मालूम है, ये ऑलरेडी मालूम है, वाई नहीं मालूम, तीनों इंटीरियर एंगल है, इनका सम आप लिख देंगे 180 डिग्री के इक्वल। लेकिन एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो 70, तो एक्स के प्लेस में 70 आ जाएगा, 50 वाई 180, 70 प्लस 50 120, 120 उधर गया, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो वाई की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री और एक्स की वैल्यू 70। दीज आर द आंसर्स। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी आपको सेम करना है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको एज ए हिंट बता रहा हूँ। अगर हम वाई को और 180 डिग्री को हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस वन एंड दिस वन। आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल इस शेप में होता था, तो y और 180 आपको इस शेप में दिख रहे हैं और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं तो ये इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 80, उसके बाद तो आपको मालूम ही है एक 50 है और y हो गया 80। थर्ड एंगल निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड फोर्थ पार्ट सेम है बिल्कुल सेकेंड की तरह। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है, अच्छा इसके अंदर भी आप देख लो फोर्थ पार्ट में, यहाँ 60 दे रखा है, ये दोनों एंगल कौन से हुए, हाँ वर्टिकल अपोजिट, तो एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 60, उसके बाद तो आपको मालूम है इंटीरियर एंगल का सम 180। चलो फिफ्थ पार्ट भी सेम है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये भी अगर आप खुद करना चाहें तो हो सकता था लेकिन कोई बात नहीं, एक बार देख सकते हो। वाई और 90 यहाँ पे कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, यहाँ पे देखो y की वैल्यू आ गई 90। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल है y, x, x, इन तीनों का टोटल इज इक्वल टू 180। रीजन आपको फिर लिखना है, यहाँ पे x और x बन गए 2x, y के प्लेस पर 90 निकाल चुके हैं तो 90 आ गया, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी और y की ऑलरेडी आ चुकी है। इसी तरह लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज है लेकिन बाकी सब कुछ सेम है, 10% बात थोड़ी सी अलग है। ये फिगर इज गिवन, इस फिगर में आप देख रहे हो x, y, x, x ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस प्लेस पे और इस प्लेस पे अपनी मर्जी से कुछ नेमिंग डाल दिया हमने a एंड b। अब आप आराम से बोल सकते हैं कि a इक्वल है x के, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। x और b कैसे हैं, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। y और x ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हमने यही तो लिखा है a इक्वल टू x क्योंकि वर्टिकल है, b इक्वल टू x ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, y इज इक्वल टू x वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब a, b और y ये तीनों तो इंटीरियर एंगल थे, इनका टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आपने a की वैल्यू निकाल रखी x, तो x लिखा, b के प्लेस पे भी x लिख सकते हैं इसी तरह और y के प्लेस पे भी,
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x इक्वल टू 180, एक्स आ जाएगा 180 बाई 3 इक्वल टू 60, एक्स की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। लेकिन आपका वाई यहाँ से वाई एक्स के इक्वल था, यानी कि जितनी वैल्यू एक्स की आएगी उतनी ही वाई की होनी चाहिए, दैट मीन्स वाई इक्वल टू इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो इस तरह से सेवन्थ क्लास आज आप कंप्लीट करेंगे 6.3 और साथ में जो भी, क्योंकि कल संडे है तो कल आपको कोई वीडियो नहीं आएगी, तो आपका कोई भी अगर पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करेंगे। और एक है थिंक डिस्कस एंड राइट है, इसके अंदर 6 पार्ट हैं। ये आप है ना रिटर्न में पहले लिखोगे कैन यू हैव ए ट्रायंगल विद टू राइट एंगल, और उसके बाद आप इसको है ना बताओगे कि आपको इसके बारे में क्या पता चला, या आप ये पॉसिबल है या नहीं है। ये एक पेज पे आप लिखोगे सारे और आंसर्स लिखोगे कि आपको क्या लगा, और उसके बाद आप ग्रुप पे सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।